wears. It is the peg or mask. It is used for the acne prevention. Now you know about it. The if you have the acnes on your face, then you have don't worry about the pimples or the acnes anymore. The rose face pack is an extremely efficient solution of this issue, because the flowers having tendency to prevent the your skin from the infection and the antibacterial properties. The rose petal benefits are oil controlling the skin, skin toner, facial cleansers, मॉइस्चराइज़र एंड फॉर ग्लोइंग द स्किन. व्यूअर्स, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये फेस पर अगर चेहरे पर ऑयल आ गया, तेल आ गया है, तो उसको कंट्रोल करेगा. ये स्किन को टोन करने का काम करता है. ये एक तरह से क्लिंजिंग करता है, स्किन को साफ करता है, स्किन को नम रखता है, यानी गीला रखता है, वेट रखता है, शाइन करती है स्किन. और गीला मीन्स यानी कि उसको बिल्कुल गीला रखेगा, मीन्स ऐसे फील होगा कि वो बहुत ग्लो कर रही है, और ये ग्लोइंग स्किन में हेल्पफुल साबित होता है. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने रोज़ पेटल्स को या तो ये किया कि हमने ड्राई कर लिया और उसका पाउडर बना लिया, या अगर आपके पास फ्रेश रोज़ पेटल हैं तो आप उसको क्रश कर लेंगे और उसका एक तरह का पेस्ट तैयार कर लेंगे, और वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें और जो चीज़ें होती हैं मौजूद, वो हम आपको बता देते हैं. रोज़ पेटल में क्या क्या होता है. रोज़ पेटल्स कंटेन द विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड द डिफरेंट विटामिन बीज, एंड दीज आर द एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड द ओशन ऑफ द नेक्टर्स विच आर यूजफुल फॉर आवर स्किन. यानी कि इसमें हमने जो विटामिन्स के नाम लिए हैं, उर्दू में भी उनके नाम वही होंगे. एंटी इन्फ्लामेटरी यानी स्किन पर अगर आपको कहीं छोटा सा दाना भी निकला हुआ है और उसमें आपको जलन है, तकलीफ़ है या दर्द है, ये उसको ख़त्म कर देगा. और एक तरह से ये शहद का समंदर है जो हमने अपने चेहरे पर अप्लाई कर लिया है, अपने फेस पर लगा लिया है. और मज़ीद इसके बेनिफिट्स क्या हैं. हाइड्रेट द स्किन विदाउट मेकिंग इट ऑयली. स्किन को ये नमदार यानी हम उसको उर्दू में क्या कहेंगे, हाइड्रेट रखना, मीन्स पानी की कमी नहीं होगी स्किन में और ऑयल भी नहीं होगा. हैज़ द एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट, इसमें बैक्टीरिया को मारने की ताकत और सलाहियत होती है. इनकरेज द स्किन हीलिंग प्रोसेस, अगर स्किन कहीं से डैमेज हो गई है, खुश्की आ गई है, हमें स्किन ख़राब लग रही है, तो अपने आप ये उसको हीलिंग कर देगा, उसको भर देगा और सेल्स को बना देगा. हेल्प क्लियर आउट एक्नी, चेहरे पर जो भी दाने होंगे उन दानों को ये बिल्कुल ठीक कर देगा. इसके बाद एक्नी मार्क जो होंगे उनको भी ये ख़त्म कर देगा. फेयर्स द एक्नी मार्क्स एंड द डार्क स्पॉट, और फिर दाने के बाद जो एक निशान चेहरे पर रह जाता है उस निशान को भी ये ख़त्म कर देगा. फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, ये एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर है. ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, जो इसके अंदर स्किन के लिए हमने जो इसमें हनी ऐड किया, ये हनी की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हनी की और पेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं, तो ये हनी की प्रॉपर्टी है. और हनी की प्रॉपर्टी क्या है, एक और प्रॉपर्टी, फुल ऑफ द एंटी ऑक्सीडेंट है. प्रीवेंट द प्री मेच्योर रिंकल एंड द फाइन लाइन से, जो लाइन्स पड़ जाती हैं और झुरियाँ सी आ जाती हैं उनको भी शहद इसमें जो मिक्स किया ख़त्म करता है. एंटी इन्फ्लामेटरी है. मेक द स्किन फर्म, मजबूत बना देगा स्किन को, और क्या करेगा, सप्लाई करेगा उसको, नरिशमेंट देगा एंड सप्लाई द ऑक्सीजन टू द स्किन. एड द ड्यू ग्लो टू द स्किन, और ऐसे लगता है कि जैसे स्किन एक उसका शबनम का कतरा है, इतना साफ़ और शफाफ स्किन दिखाई देता है कि इंतहाई खूबसूरती का इजाफा हो जाता है स्किन में. तो इसमें जो भी हमने आपको बातें बताई हैं, ये बातें इसके लिए इंतहाई मुफीद है, हमारी स्किन के लिए, हमारे चेहरे के लिए, और इसकी वजह से आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करेगा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार रहेगा. इसलिए आपने इस पैक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और पैक के इस्तेमाल का हम आपको तरीक़ाकार बताते हैं कि क्या करना है आपने. व्यूअर्स, से देखिए, हमने जो ये पैक बनाया है, मास्क बनाया है, इसे हमने इसके ऊपर फेस पर, ये हम आपको हैंड पर करके दिखा रहे हैं, फेस पर आपने इसे अप्लाई करना है. अप्लाई करके आप यूँ थोड़ा सा इसको थोड़ी देर यहाँ छोड़ दें इसके ऊपर, ताकि इसका असर रहे, और थोड़ा सा आप यूँ थपथपाएँगे इसे ताकि इसका असर इसके अंदर जाए. उसके बाद आपने यूँ इसको थोड़ा मूवमेंट करना है,
लेकिन मूवमेंट के लिए आपने ख्याल रखना है हमारा पुराना वाला तरीकाकार होगा जो कि हमने आपको बता रखा है, फेशियल स्टाइल में आपने मूव करना है ताकि आपके आपकी स्किन के ऊपर कोई रिंकल ना हो, रिंकल दूर हो जाएं और स्किन बहुत ही अच्छी और खूबसूरत हो जाए। देखें इस तरीके से इसको ये आप यूँ राउंडेड वे में, और हमने आपको काउंटिंग बता रखी है, उस काउंटिंग पर आपने चलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ये आप रिपीट करेंगे और 30-30 टाइम ये आपके एक एक पार्ट पर रिपीट होता जाएगा। अब आपने यहाँ इसे इस तरीके से देखें ये पुट करके इसे अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये देखें इस तरीके से ये आपने छोड़ देना है। आप ज़्यादा लगा के इसके ऊपर अपने फेस के ऊपर ऐसे थोड़ा सा इजी हो कि आप लेट जाएंगे, ये फेस पर आपके लगा रहे। पहले आपने मसाज करना है, मसाज के बाद आपने ये लगा रहने देना थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए। सूखेगा नहीं कि हम आपको ये कहें कि ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा और फिर आप इसे रिमूव करें, नहीं, बल्कि इस तरीके से आपकी स्किन पर लगा रहेगा। फिर आप लास्ट में दोबारा एक मरतबा जो हमने आपको बताया जिस तरीके से आपने मसाज करना है ऐसे आप मसाज कीजिएगा राउंडेड वे में, और मसाज करने के बाद फिर आप इसको नॉर्मल वाटर से, ना ड्राई हो ना ही वार्म हो, नॉर्मल वाटर से आप इसको वॉश कर लेंगे, धो लेंगे, आपकी स्किन को बहुत अच्छा नॉरिशमेंट मिलेगा, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल फेयर हो जाएगा, कोई भी एक्नी है, कोई भी पिंपल्स हैं सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि फ्लावर में कुदरत ने बहुत बड़ी सलाहियत रखी है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने स्किन के लिए बताया। अब व्यूअर्स देखें, हमने ये सारा इसको रब भी कर लिया है और थोड़ी देर इसके ऊपर लगा के छोड़ भी दिया है। आपने अब क्या करना है, आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। आप इसे आर्म पर यूज़ कर सकते हैं, फीट पर यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से चेहरे पर आप इसको डेली यूज़ भी कर सकते हैं। इसका कोई भी ड्राबैक नहीं है, ये बहुत ही सूटेबल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको व्यूअर्स वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक करें ताकि दूसरों के पास पहुंच जाए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। और कमेंट्स में हमें बहुत ऐसे हैं जिन्होंने व्यूअर्स ने कमेंट्स दिए थे हमें, और उन लोगों ने ये पूछा था, कुछ बॉयज़ थे जिन्होंने पूछा कि उन्हें एक्नीज़ हो गए बहुत, तो वो एक्नीज़ जो हैं कैसे रिमूव होंगे। तो एक्नीज़ रिमूव करने के लिए हमने ख़ास ये उनके आंसर पर ही हमने पैक बनाया है ताकि वो अपने एक्नीज़ से रिड हासिल कर लें। इसी तरीके से आपको भी और कोई भी रेमेडी की नीड हो या रेसिपी की तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स आप ये देखें, ये जो हमने रोज़ पेटल जो इनको क्रश किया है तो इसको तकरीबन आपको 10 से 15 दिन लगेंगे सुखाने में। पेटल्स को आप अलग कर दें, अलग करके आप इसको बिल्कुल सुखा लें। सूखने के लिए आप इसको ज़रूरी नहीं कि आप धूप में रखें, इसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल दें और पंखे की हवा में इसको छोड़ दें। गर्मियाँ हैं, हवा चलती रहेगी वहाँ पर पंखे की हवा में, इससे ये है कि इसके अंदर मिट्टी नहीं आएगी, क्योंकि मिट्टी नहीं आनी चाहिए। उसको अच्छे से साफ़ करके ऊपर से कोई मलमल का सुराखों वाला कपड़ा डाल के तो फिर आप इसको रख दीजिएगा ताकि ये सूखता रहे। जब ये सूख जाएगा, इसका कलर टर्न हो जाएगा, लाइट पर्पल कलर का हो जाएगा, फिर आप इसे ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लें, और पाउडर को आप स्टोर कर लें। वो स्टोर किया हुआ पाउडर आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी और भी बहुत सारी रेमेडीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं आप। इसलिए आप उसको फिर स्टोर करके आप फ्रिज में उसको रख दें, बॉटल में डाल के, वो आपके काम आता रहेगा। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए जो हमने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उनका हम अभी ये फेस मास्क तैयार करेंगे, फेस पैक तैयार करेंगे। आप ये देखें कि हमने ये इसमें आपको नज़र आ रहा है ये रोज़ पेटल्स हैं। हमने रोज़ पेटल्स को ड्राई किया, ड्राई करके उसके बाद हमने इसको क्रश कर लिया, समझे कि ग्राइंड कर लिया और पाउडर में कर लिया कन्वर्ट। आप ये देखें, ये पैक बनाने के लिए आप देखें इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, देखें कितना ब्यूटीफुल है। क्लोज़ करके दिखाएं कलर, ये देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें हमने ये 1 टीस्पून ये लिया है रोज़ पेटल पाउडर लिया है, ये है रोज़ पेटल पाउडर। हमने इसमें 1 टीस्पून इतनी ही क्वांटिटी का हमने इसमें ये योगर्ट डाला है,
और हम हाफ टी स्पून इसमें ये लैंगनीज का, या आपके पास अगर खालिस हनी है तो आप उसमें हनी ऐड करेंगे। ठीक है, ये हम इसको ड्राई कर लेते हैं ताकि इसमें ये थोड़ा सा जूपट लग गया है, ताकि हमारे हनी में इसका इफ़ेक्ट ना हो। ये देखें, ये हमने इसमें पैक में, ये हमने इसमें हाफ टी स्पून ये हनी हमने इसमें ऐड कर लिया है। ठीक है, अभी हम इसको मिक्स करेंगे और हमारा फेस पैक प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको इसमें क्वांटिटी में कमी बेशी नज़र आएगी तो आप इसमें यूगर्ट और डाल लेंगे और ऐड कर लेंगे यूगर्ट। रोज़ पेटल की स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर किसी को एक्नीज ज़्यादा हैं, अगर वो पस वाले हैं, पिंपल्स हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा आपको लेमन नहीं डालना है, आप लेमन भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये वैसे बिल्कुल सही बन गया है। हम थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लेते हैं, ये हमने थोड़ा सा और ऐड किया इसमें यूगर्ट। यूगर्ट दरअसल विटामिन सी इसमें भी होता है। अब आप देखें, ये आपका पैक जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें, पैक तैयार हो गया है हमारा। व्यूअर्स, वी ऐड द यूगर्ट इन इट, हमने इसमें दही भी शामिल किए है। यूगर्ट इज़ द ब्यूटीफुल फॉर स्किन एंड बेनिफिशियल फॉर द स्किन बिकॉज इट कंटेन द लैक्टिक एसिड, इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड गिव्स एड आवर स्किन एंड रिमूव द रिंकल्स एंड द फाइन लाइन्स एंड लाइटनिंग द कलर। इट हैज़ द ब्यूटीफुल टेक्स्चर टू गिव ब्यूटीफुल टेक्स्चर टू आवर स्किन एंड इट श्रिंक द पोर्स विच आर अपियर ऑन यूर चीक्स एंड इट इज़ सॉफ्टर यूर स्किन एंड अप्लाई द यूगर्ट डेली एज द फेस देन इट विल बी बेनिफिशियल बिकॉज इट डिस्ट्रॉय द बैक्टेरियाज विच आर प्रेजेंट ऑन आवर स्किन एंड एक्नीज विच आर प्रेजेंट ऑन यूर स्किन एंड द इट गिव्स द इन्फ्लामेशन एंड एड्स टू यूर स्किन एंड इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द वाइटनिंग टू यूर स्किन एंड यूर स्किन इज वाइटनिंग थ्रू इट बिकॉज इट हैव द राइबोफ्लोविन प्रेजेंट इन द यूगर्ट टू प्रोटेक्ट यूर स्किन एंड इट इज़ वेरी बेनिफिट एंड वेरी बेनिफिशियल टू यू।